दोस्तों, क्या आप रिंकू सिंह को एक अच्छे बैट्समैन मानते हैं? तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह पहला मैच था जिसमें भारत ने जीत हासिल की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ये जीत भारत के लिए उन जख्मों पर मरहम की तरह है जो उन्हें रविवार 19 नवंबर को वर्ल्ड कप 2023 फाइनल हार के बाद लगे थे। दोस्तों, इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। हालांकि फैसला सही साबित नहीं हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जॉस इंग्लिश के शतक और स्टीव स्मिथ के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर खेलकर 3 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना दिए थे। लेकिन भारत को ये टारगेट हासिल करने के लिए शुरुआती अच्छी नहीं रही। फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव 80 रन और ईशान किशन 58 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग के वजह से टीम इंडिया का बैटिंग लाइन में सुधार आई। उनके आउट होने के बाद अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह लगातार 3 गेंद पर आउट हुए तो गैलरी में बैठे हजारों फैंस के चेहरे में मायूसी छा गया। हालांकि एक छोर पर बहुत ही उम्दा 14 गेंद पर नाबाद 22 रन बनाने वाले रिंकू सिंह जमे हुए थे, लेकिन पारी खत्म होने से पहले आखिरी गेंद पर अर्शदीप आउट हुए तो बहुत ही ज्यादा तनाव का पल पैदा हो गया था। लेकिन रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया।